नमस्कार, मैं मीनू एम एस दिव दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं माघी पूर्णिमा के बारे में इसे मैं कुछ बता रही हूँ। ये 8 फरवरी शाम को लग रही है और 9 फरवरी रविवार तक है। तो ये जो सूर्योदय होते ही या उससे पहले स्नान करता है उसके बड़े बड़े पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। स्नान के साथ ही पाप जो है सारे नष्ट हो जाते हैं। पर सूर्य के मकर राशि में रहने पर या पूरे माघ के महीने में भाग्यशाली ही स्नान कर सकते हैं। तो इसलिए जरूर सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर पद्म पुराण में यह उल्लेख है कि जिनके पास समय व धन की कमी है, शरीर निरोगी रहता है, वो माघ शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा को अगर विधि विधान से सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, व्रत कर ले, दान करे, उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल मिलता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ काशी और जो कि बनारस में है। तो ये बनारस है, तो बनारस में ये देखिए कितना बढ़िया पक्षी तक जो है, यहाँ कहते हैं कि संगम में भी मैंने दिखाया था, पक्षी तक आते हैं स्नान करते हैं और लोग यहाँ पे दाना भी डालते हैं। और ये बोट से आपको स्नान करने के लिए ले जाएंगे, कई घाट बने हुए हैं, आप यहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं। और जो कि ये सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, व्रत कर लें, दान दें और इससे संपूर्ण माघ स्नान का फल मिल सकता है। माघ मास में गणेश, सूर्य, गंगा, दुर्गा, विष्णु, शिव आदि समस्त देवगण व्रत दान उपवास आदि के अलावा सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से परम प्रसन्न होते हैं। और माघी पूर्णिमा के बारे में लिखा है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास विराजमान रहते हैं। धर्म राज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि संवत्सर में कौन कौन सी तिथियां स्नान दान से अधिक पुण्यप्रद हैं। कृष्ण भगवान ने कहा माघ पूर्णिमा, वैशाख और कार्तिक पूर्णिमाओं में के समान ही फल प्राप्त होता है इसमें। और माघी पूर्णिमा में शिव की परम प्रिकाशी में जीवन दायिनी गंगा का स्नान अद्भुत फल देता है। और पितृ तर्पण जो इस दिन करता है, पितृ दोष दूर हो जाता है। शनि की 7.5 से प्रभावित धनु राशि उन्हें चंद्रमा के 8 राशि में होने के कारण स्नान आदि करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो मैंने ये आपको दिखाया काशी, जो कि देखिए कितना बढ़िया, ये रात का समय है। अभी यहाँ पे दीपदान जब दीपक जलाया जाता है तो बहुत ही आरती होती है, तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। और मैंने आपको संगम में भी दर्शन कराए थी। ये देखिए कितना सुंदर सुहावना दृश्य लग रहा है। लोग घूमने के लिए भी आते हैं, स्नान करके पुण्य कमाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हो गया है, चारों तरफ आपको दर्शन करा रही हूँ। और ये देखिए रात का आप चाहिए और आप नौका विहार भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आरती बहुत फेमस है, आरती भी देखिए। और ये देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि माघी पूर्णिमा में विशेष बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है और बहुत पुण्य मिलता है यहाँ पे स्नान करने का। तो आप ज़रूर चाहिए और स्नान करिए और यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप दान कर सकते हैं, पक्षियों को दाना दे सकते हैं और बहुत तरह के, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है बोट से आप सारों चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है काल भैरव जी भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस हैं, बहुत अच्छी मान्यता है उनकी। और शंकर भगवान हैं जो कि आप जानते ही हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको दिखाया, देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और ये मैंने आपको वीडियो दिखाया बनारस का, तो जो कि यहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और आप भी वहाँ जाइए, क्योंकि अभी कल का दिन है, आप वहाँ पर स्नान जरूर करिए। और प्रातः स्नान करते देखिए, देखिए आरती की तैयारियाँ हो रही हैं। और आपको ये देखिए चारों तरफ कितना जगमगा रहा है, तो आप ज़रूर चाहिए। और अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैंने जो महात्म डाले हुए हैं, 28 अध्याय डाले हैं, उसको जरूर श्रवण कीजिएगा। मैंने माघ मास के 28 अध्याय डाले हैं। तो इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ और फिर मैं अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।